नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एड़ी के दर्द यानी प्लैंटर फेसियलाइटिस के बारे में। ये क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन से इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं कि प्लैंटर फेसियलाइटिस क्या होता है। दोस्तों प्लैंटर फेसियलाइटिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि आपके पैरों में सूजन आती है और आपकी एड़ी में दर्द होने लगता है। दोस्तों आपके एड़ी में जो दर्द होता है वो इसलिए होता है कि आपके पैरों की जो मांसपेशियां है वो आपके एड़ी से लेके आपके पैरों के उंगलियों तक के कनेक्टेड होती है। ये एक तरह का मांसपेशी जो होता है एक रबर बैंड की तरह होता है, उसमें किसी तरह का आपको चोट लग जाती है तो आपको दर्द होने लगता है। इसी मांसपेशी को प्लैंटर फेसियलाइटिस कहा जाता है, यानी इसी मांसपेशी में जो दर्द होता है, तलवों की मांसपेशी में दर्द को ही प्लैंटर फेसियलाइटिस कहा जाता है। दोस्तों इसके क्या कारण होते हैं, कारणों की अगर हम बात करें, अगर आप मोटापा हैं, आपके बॉडी बहुत ज़्यादा मोटापा के शिकार हैं तो ये एक वजह हो सकता है, क्योंकि आपके बॉडी का वेट को संभालने की क्षमता पैरों पर होती है और किसी कारणवश अगर तलवों की मांसपेशियों में वो खिंचाव आ जाए या मैकेनिकल इंजरी हो जाए तो प्लैंटर फेसियलाइटिस हो जाता है। नेक्स्ट कॉजेज है वो है, अगर आप खिलाड़ी है या आप एथलीट है, आप ज़्यादा खेल कूद करते हैं या आप ज़्यादा दौड़ते हैं तो उसकी वजह से भी होता है, या अगर आपको कहीं भी चोट लग गई है, दौड़ते दौड़ते चोट लग गई है आपके तलवों में तो उसके कारण भी प्लैंटर फेसियलाइटिस होने का खतरा होता है। या उन लोगों में ये ज़्यादातर होता है जो कि ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम करते हैं तो उन्हें भी ये प्रॉब्लम्स होती है। दोस्तों कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो हील स्पर होते हैं वो भी प्लैंटर फेसियलाइटिस के लक्षणों से मैच करते हैं और डायग्नोसिस करने में भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि इन्हें हील स्पर हो गया है या प्लैंटर फेसियलाइटिस है। तो दोस्तों हील स्पर में क्या होता है कि जो एड़ी की हड्डी होती है वो बढ़ जाती है और प्लैंटर फेसियलाइटिस में तलवों की मांसपेशियों में दर्द होता है। दोस्तों सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो आपके पैरों में सूजन आ जाएगी, आपके तलवों में सूजन आ जाएगी, आपको चलने में कठिनाई होगी, एड़ी में दर्द होगा, यहाँ तक कि आप खड़े नहीं हो सकते हैं, खड़े होने में दर्द हो गया, आपके पूरे तलवों में दर्द होता है, आप सही से खड़े नहीं हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपको दर्द पूरे पैर में फैल जाता है। तो दोस्तों प्लैंटर फेसियलाइटिस एक गंभीर समस्या हो सकती है, लेकिन अगर समस्या है तो समाधान भी है। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन से आप प्लैंटर फेसियलाइटिस को 100% ठीक कर सकते हैं। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बता देता हूं जो कि प्लैंटर फेसियलाइटिस में यूज होती है और काफ़ी हद तक इसको ठीक कर देती है। पहली मेडिसिन है अर्निका माउंटेना। दोस्तों अर्निका माउंटेना उस कंडीशन में यूज की जाती है अगर किसी कारणवश आपको पैर की तलवों में चोट लग गया है और प्लैंटर फेसियलाइटिस की नामक बीमारी हो गई है और आपको चलने में दर्द होती है, आपको खड़ा तक नहीं हो सकते हैं, उसमें आप अर्निका माउंटेना का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है रोस्टक्स। दोस्तों रोस्टक्स उस कंडीशन में दी जाती है जब आपके पैरों में सूजन रहती है, आप सही से खड़े नहीं हो पाते हैं, दर्द इतनी ज़्यादा होती है कि आपको कनकनाहट की जैसे महसूस होता है, पैर के तलवों में लगता है कि जैसे कनकनाहट होती है, कोल्डनेस की फीलिंग होती है, जैसे कि बर्फ लगा हुआ है और दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशंस में आपको रोस्टक्स यूज की जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है एंटीक्रूड। दोस्तों एंटीक्रूड तलवों में दर्द होने की, पैर की तलवों में दर्द की एंटीमक्रूड महा औषधि मानी जाती है। तो दोस्तों एंटीमक्रूड को भी आप यूज कर सकते हैं। एंटीमक्रूड में ये लक्षण देखा जाता है कि पूरे पैर में दर्द के साथ साथ आपके पैर के तलवों में भी अगर दर्द हो रहा है तो एंटीमक्रूड आपके लिए यूजफुल है। तो दोस्तों आज मैंने आपको एड़ी का दर्द या प्लैंटर फेसियलाइटिस के बारे में पूरी जानकारी दी है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है इसके बारे में भी मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा की है। तो दोस्तों
जाने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मेरा वीडियो के देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।